इंडियन एयरफोर्स की नए अवेक्स में ट्रायंगुलर रोटेटिंग रडार डोम के बदले साइड बाय साइड रडार डोम को इंस्टॉल करने के बाद क्या यह सच में 360 डिग्री तक का कवरेज दे सकेगा? एचएएल की तरफ से इंडियन नेवी की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मेन ब्लेड और कंप्लीट टेल सेक्शन को फोल्डेबल बनाने का फैसला किया जा रहा है। नेवी की तरफ से भी अचानक से 11 नए ऑफशोर पेट्रोल वेसल को बनाने का फैसला क्यों किया गया है? कैलेंटी के द्वारा बनाए गए मिडजेट सबमरीन पाकिस्तान की एक स्क्राफ्ट को टक्कर दे सकते हैं या फिर आगे चल के क्या इनको कभी भी इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है? और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि काट्सा एक्ट से बचने के लिए कोई भी स्पेसिफिक रास्ता मौजूद नहीं है और जो कोई देश भी रशिया और चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए जाएगा उनके ऊपर इसको लागू किया जाएगा, लेकिन भारत इससे किस तरीके से बचने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के अवेक्स को लेके है। दो तीन दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 अवेक्स को बनाने का फैसला किया गया है और ये हमारी मार्क 2 कैटेगरी के अवेक्स होने वाले हैं। इसके लिए पिछले कई दिनों से कंफ्यूजन चल रहा था कि इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ इसमें पहले A330 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इनको नए खरीदने के बदले कमर्शियल एयरलाइन से इनको सेकेंड हैंड कंडीशन में लेने का प्लान किया जा रहा था जो कि 10 साल से ज्यादा पुराने ना हो। इसी बीच अभी ये फैसला किया गया कि डीआरडीओ अभी A330 एयरक्राफ्ट के बदले A321 एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया से खरीदने वाली है। ऐसे 6 एयरक्राफ्ट अभी खरीदा जाएगा जिनकी टोटल कीमत लगभग $1.2 बिलियन के आसपास होने वाली है। इन 6 एयरक्राफ्ट में से सबसे पुरानी एयरक्राफ्ट 12 साल पुरानी है, जबकि आखिरी वाला एयरक्राफ्ट 10 साल पुराना है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके बारे में बताया गया कि अवेक्स हमारे नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 2 वेरियंट या हमारी ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के अवेक्स होने वाले हैं और इसमें भी नेत्रवेक्स की तरह 2 साइड लुकिंग रडार डोम को प्लेस किया जाएगा। पहले ऐसा लगता था कि इसमें एक 360 डिग्री तक घूमने वाला रडार डोम को प्लेस किया जाएगा जैसा हमारा फैल्कन वेक्स में मौजूद है, और इस शेप में दिखने में राउंड होने वाला था जिसमें 3 ASR रडार को ट्रेंगुलर वे में फिक्स किया जाएगा और ये लगातार वहां पे रोटेट करने वाले थे। ये सेम सिस्टम A330 प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी जिन A321 एयरक्राफ्ट को एवेक्स में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया इनमें नेत्रवेक्स की तरह रडार डोम को प्लेस करने का फैसला किया गया, लेकिन नेत्रवेक्स की जो ब्लाइंड स्पॉट थे वो इसमें नहीं होने वाले हैं। यानी कि भले ही इनमें साइड बाय साइड ASR रडार प्लेट को प्लेस किया जाएगा, लेकिन ये भी 360 डिग्री तक का कवरेज देने वाले हैं। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है क्योंकि फिक्स्ड एंटीना के साथ 360 डिग्री तक का कवरेज देना थोड़ा मुश्किल काम है और अभी तक बस एक ही ऐसा अवेक्स मौजूद है जो कि इस तरीके की काम कर सकता है और वो विक्टेल अवेक्स है जिसमें नॉर्थरोप गुरमान की MESA L-band ASR रडार को इक्विप किया गया है। इसमें दोनों साइड की रडार 130 डिग्री और 130 डिग्री तक का कवरेज देते हैं, जबकि उसी एंटीना की फ्रंट और रियर में वो 50 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करता है, जो कि कुल मिलाकर 360 डिग्री का कवरेज दे सकते हैं। अब देखने वाली बात तो ये कि DRDO इस तरीके के रडार को बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है। अब विक्टेल अवेक्स की बात करें तो इसे बोइंग की 737 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर मामले में A321 एयरक्राफ्ट से पीछे है और इस साइज में भी बोइंग 737 से काफी बड़ा एयरक्राफ्ट, जिस वजह से उसके मुकाबले इसमें बड़े रडार डोम को इंस्टॉल किया जा सकता है, जो कि डीआरडीओ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है। अगला अपडेट एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी के लिए अभी 111 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसमें एचएएल अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को ऑफर करना चाहती है, लेकिन नेवल हेलीकॉप्टर की टेंडर में शामिल होने के लिए एचएएल के हेलीकॉप्टर को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसे नेवी में शामिल किया जाता है तो इसको आगे चल के वॉरशिप्स में या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात किया जाएगा और मेनली इनको वॉरशिप्स में तैनात किया जाएगा। ऐसे में वहां पर जगह की काफी कमी होती है, जिस वजह से नेवल हेलीकॉप्टर्स को उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉम्पैक्टनेस को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जो भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है उनकी विंग्स को फोल्ड किया जाता है और जब वो नॉर्मली एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद होते हैं और जब वो ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं तब उनके विंग्स को फोल्ड करके रखा जाता है ताकि कम जगह में ज्यादा एयरक्राफ्ट को पार्क किया जा सके। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स की ब्लेड को भी फोल्ड किया जाता है और ये नेवी की टेंडर में एक बेसिक रिक्वायरमेंट था। अब एचएएल का ये कहना था कि नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 मेन ब्लेड्स को फोल्ड करने के साथ साथ एचएएल की तरफ से अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेल सेक्शन को भी फोल्ड करने की कोशिश की जा रही है।
जिससे इसको काफी कम जगह में रखा जा सकता है। HAL का कहना है कि टेल सेक्शन को फोल्ड करके लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट करने के लिए वो टेल बूमिंग स्कीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि फरवरी 2021 तक कंप्लीट होने वाला है। पहले से इसके लिए सभी डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जा चुका है, अभी बस इंटीग्रेशन वर्क कंप्लीट होना बाकी है। अभी नेवी की तरफ से पहले से HAL को नेवी की हेलीकॉप्टर टेंडर से बाहर करने के लिए कई बार कहा जा चुका है, और गवर्नमेंट की तरफ से दो बार कोशिश करने के बाद भी नेवी की तरफ से HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इसमें सेलेक्ट करने के लिए मना किया जा रहा है। पर अभी नेवी जिस वजह से HAL के हेलीकॉप्टर्स को रिजेक्ट कर रहा था, HAL की तरफ से अभी उससे भी ज्यादा फैसिलिटी अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ नेवी को ऑफर करने का फैसला किया गया। अब देखने वाली बात यह कि इस बार नेवी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है, और ये अपडेट नेवी की कोस्टल सबमरीन को लेके L&T की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में कुछ वीडियोज और इमेजेस को शेयर किया गया था, जिसमें L&T की तरफ से उनके लेटेस्ट सबमरीन के डिजाइन को दिखाया गया था। ये सबमरीन बेसिकली एक तरीके की मिडजेट सबमरीन है, जिसे को मेनली स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हमारे स्पेशल फोर्सेस की डाइविंग सपोर्ट वेसल के टेंडर के अंदर खरीदा जा सकता है। ये साइज के मामले में हमारे किलो क्लास के सबमरीन से काफी छोटे हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक्सक्राफ्ट के मुकाबले थोड़े बड़े होने के साथ साथ बेहतर भी हैं। अगर अरेंजमेंट और डिजाइन की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की MG-110 एक्सक्राफ्ट के साथ काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इनका किस हद तक इस्तेमाल किया जाएगा इसकी अभी तक कोई खास अपडेट सामने नहीं आया है। तो L&T की डिजाइन असल में कभी ऑपरेशनल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से सर्किट एरिया में हमको ऐसे वेसल की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उन दलदली इलाकों में सबमरीन नहीं जा पाते हैं, इसका फायदा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस उठा सकते हैं और वो अपने मिडजेट सबमरीन की मदद से घुसपैठ वगैरह कर सकते हैं। इसके बारे में पिछले साल एक अपडेट आया था, जहां पर हमारे स्पेशल फोर्सेस को भी सर्किट रीजन में ऑपरेट करने के लिए इस तरीके की कोस्टल सबमरीन की जरूरत है। अब देखने वाली बात तो ये कि आगे चल के इन सबमरीन को खरीदा जाता है या फिर नहीं खरीदा जाता है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है। यूरेशियन टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव को देखते हुए अपने नेवी में 11 नए नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल को शामिल करने का फैसला किया गया है। अब सभी को याद होगा, इससे पहले 6 ऑफशोर पेट्रोल वेसल को बनाने के लिए रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसे कुछ दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था, और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उसी टेंडर को दोबारा फ्लोट करने का विचार किया गया, लेकिन इस बार 6 के बदले 11 वेसल को इंडक्ट किया जाएगा। अब इस टेंडर को कैंसिल करने का जो मेन कारण था वो ये था कि इस तरीके की पहली वेसल को रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग को 2014 में इंडियन नेवी को डिलीवर करना था, और बाकी बचे 5 वेसल को 2016 तक इंडियन नेवी को डिलीवर कर देना था, लेकिन अभी तक रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग की तरफ से एक भी वेसल को डिलीवर नहीं किया गया है। अभी के RFI में इन वेसल के लिए जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन दिए गए इसके बारे में कोई क्लियर डाटा नहीं पता है, लेकिन अगर प्रीवियस RFI की बात करें तो उसके मुताबिक इसे मेनली ऑफशोर पेट्रोल, सीज, सर्च एंड रेस्क्यू, इंटरसेप्शन और सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब अभी इस तरीके के वेसल्स की रिक्वायरमेंट हमारे लिए काफी बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने देखा होगा चाइनीज वेसल हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं और वो रिसर्च एक्टिविटी का बहाना बना रहे हैं। तो ऐसे में उनको चेक करके रखने के लिए और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करने के लिए हमें एडिशनल 11 वेसल की जरूरत पड़ने वाली, जिस वजह से अब इस नए टेंडर को फ्लोट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है, और ये अपडेट इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर है। अब सभी को याद होगा, रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि INS अरिहंत की सी टर्ल अभी कंप्लीट होने वाली है, और ये 2021 के अंदर ही नेवी में फुली ऑपरेशनल होने वाला है, लेकिन अभी तक असल में INS अरिहंत कैसा दिखता है ये किसी को भी नहीं पता है, और आज तक इसका एक भी इमेज कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है। पर अभी सैटेलाइट इमेज में INS अरिहंत और INS अरिहंत दोनों की इमेज को एक साथ कैप्चर किया गया है। पहले ये बताया जाता था कि INS अरिहंत INS अरिहंत के मुकाबले लगभग 1000 टन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला सबमरीन है, जिसको पिछली बार मैंने क्लियर कर दिया था कि अरिहंत और अरिहंत दोनों एक ही साइज के वेसल हैं, जबकि इसी क्लास के अंदर बनने वाले बाकी दो वेसल S4 और S4 स्टार इनसे थोड़े बड़े होने वाले हैं। और इस सैटेलाइट इमेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी एक्सटर्नल डायमेंशन में कोई भी खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फर्क इतना कि INS अरिहंत में K-15 मिसाइल के साथ K-4 मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है, और बाकी जो S4 और S4 स्टार सबमरीन बनने वाले हैं वो इन दोनों के मुकाबले 10 मीटर ज्यादा लंबे होने के साथ साथ उनके डिस्प्लेसमेंट इनसे 1000 टन ज्यादा होने वाला है, और इसमें भारत की तरफ से अपनी हेवी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि K-4 और K-5 सीरीज के मिसाइल बनने वाले हैं, और ये अरिहंत और अरिहंत के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा मिसाइल को कैरी करने वाले हैं। अगला अपडेट S-400 और काटसा एक्ट को लेके है।
जब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से S-400 को खरीदने की वजह से टर्की के ऊपर सैंक्शन को लगाया गया है, तब से ये संदेह किया जा रहा है क्या इससे भारत को खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत ने भी अभी रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदा है। लेकिन जैसे कि मैंने उस दिन भी आप सभी को बताया था कि भारत का पोजीशन अभी पूरे दुनिया भर में ऐसा है जहां पर हर कोई डेवलपिंग कंट्री भारत के साथ अच्छे संबंध को बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस दिन मैंने इसके कुछ कारण भी बताए थे जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट कभी भी भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश नहीं करेगा। और आज ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल अफेयर आर कूपर ने बताया किसी भी देश के लिए काटसा एक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक वेवियर नहीं है और इससे बचने का कोई भी चांस नहीं है, और पूरे दुनिया भर में जितने भी देश मौजूद हैं अगर वो रशिया से या फिर चाइना से कोई डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए बड़ी डील को साइन करते हैं तो उनके ऊपर काटसा एक्ट को लागू किया जाएगा। लेकिन भारत की बात करें तो ये थोड़ा अलग है और भारत की डिफेंस डील के ऊपर इसको लागू नहीं किया जाएगा, और कुल मिलाकर भारत की S-400 डील यहाँ पे सेफ है। इसका मेन कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट अभी अपनी अलाइड कंट्री को काटसा एक्ट की मदद से मुश्किल में डालना नहीं चाहता, और भारत की सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट अच्छी तरीके से जानता है, और अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर भी काटसा एक्ट को लागू किया जाता है तो इससे चाइना को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहता है। बाकी यूनाइटेड स्टेट के साथ अभी हमारे जो डिफेंस डील चल रहे हैं उसकी बात तो अलग है, लेकिन टर्की की बात करें तो टर्की की S-400 सिस्टम को एक्वायर करना यूनाइटेड स्टेट और नेटो इन दोनों के लिए खतरे की बात है, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है। अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद अभी टर्की को नेटो से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको लेके अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।